मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास का जो नेक्स्ट सेशन उसके बारे में। देखिए, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि टू व्हीलर थ्री व्हीलर क्या होते हैं, तो चलिए आज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक जी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है उसका नाम है पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं, पैसेंजर यानी कि यात्री वाहन, कौन से वाहन? यात्री वाहन। और कमर्शियल व्हीकल का मतलब क्या होगा? वाणिज्य वाहन। देखिए दोनों चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यात्री वाहन। यात्री वाहन कौन से होते हैं? ऐसे वाहन जो हमारे लोग हैं, व्यक्ति, मानव है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए, उनको हम बोलेंगे पैसेंजर व्हीकल। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करेंगे हम कार की और जीप की। देखिए कार है, कार की कौन कौन सी कंपनियां हैं? टाटा है, सुजुकी है, महिंद्रा है, होंडा, हुंडई, ETC, और भी बहुत सी कंपनीज हैं। ठीक है, जैसे फिएट है एक्स्ट्रा में, तो ये सारी कंपनीज क्या है? कार्स बनाती है। ठीक है, दूसरा जो हमारा पैसेंजर व्हीकल है उसका क्या नाम है? जीप। जीप जो है, विलिस ओवरलैंड एक इंजीनियर थे, उन्होंने ये मॉडल को बनाया था लगभग 70 साल पहले। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करें तो जीप कमांडर, ये देखिए जीप जो पहले बनाई गई थी, इन्वेंट की गई थी, जीप केवल और केवल जो थी मिलिट्रीज के लिए, आर्मीज के लिए बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद समय के अनुसार में चेंजेस किए गए और फिर जो है लोकप्रिय ये मॉडल्स हो गए। जैसे कि जीप कमांडर, आपने देखा है पहले जो जीप होती थी खुली जीप, जीप कमांडर के नाम से आती थी, महिंद्रा बनाती थी ने। उसके बाद जीप कंपास जो कि आजकल बहुत ही बड़ा एक ब्रांड के नाम से उभर के सामने आया है, और एक जीप रेगुलर जो भी इसी जीप कंपनी का जो है मॉडल है, ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो समझ में आया। यात्री वाहन कौन से होते हैं? जिसके अंदर सिर्फ व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं? आवागमन कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। सामान इनमें नहीं है, मतलब सिर्फ केवल यात्रियों को ही ट्रांसपोर्ट करता है। अब बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल में क्या है? कमर्शियल व्हीकल में मेनली दो ही चीज आती है, हमारे पास ट्रक्स आते हैं और बसें आती हैं। ठीक है, तो जो ट्रक्स हैं वो क्या काम करते हैं? कमर्शियल मतलब होता है वाणिज्यिक वाहन, यानी कि व्यवसाय से संबंधित। तो ट्रक और जो बस है वो व्यवसाय से संबंधित है। ट्रक में हम क्या करेंगे? यात्री तो नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारे सामान है डेली रूटीन के, देखिए हम चीजें यूज करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में क्या है? सामान पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रक्स का यूज करते हैं। घरों का कंस्ट्रक्शन करना है तो भी ट्रक्स का यूज करेंगे, गोदाम से माल उठवाना है तो भी हम ट्रक्स का यूज करेंगे। तो जितने भी वाणिज्य वाले काम है, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो सारे के सारे जो कमर्शियल वर्क है सारे के सारे, वो किससे करेंगे हम? ट्रक और बसेस से। तो ट्रक तो था सिर्फ सामान लाने के लिए, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं बस की। तो बस क्या करता है? बस भी क्या है? कमर्शियल वाहन है, क्योंकि वो यात्रियों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। ये किसी भी राज्य की सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक साधन है और उनके द्वारा आय का भी एक साधन है। तो बात कर लेते हैं इनकी कंपनीज के बारे में। तो इनको बनाने वाली है टाटा मोटर्स, स्वराज मारदा, वोल्वो, अशोक लेलैंड। ठीक है जी, ये कुछ मेन इनके नाम है जिनके द्वारा ट्रक और बसेस बनाई जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए जो बस है, ये जो बस है ये 1826 में फ्रांस में बनाई गई थी। ठीक है, पहली जो बस थी वो 1826 में कहाँ बनाई गई थी? फ्रांस में बनाई गई थी, और इसका जो नाम था वो क्या था? ओमनी बस। ठीक है जी, ये जो पहली हमारी जो बस थी उसका क्या नाम था? ओमनी बस। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये जो था हमारा आज का छोटा सा एक चैप्टर जिसमें पता करना था हमें कि पैसेंजर व्हीकल्स क्या है, कमर्शियल व्हीकल्स क्या है। आई होप इस सेशन के बाद आप केवल रोड पे चलते हुए व्हीकल्स को देख के बता देंगे कि कौन सा पैसेंजर व्हीकल आता है और कौन सा कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी में आता है। आई होप इसी के साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी जो अगली वीडियोस हैं आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। इसके बाद कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेरी ले सकते हैं। साथ चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।